चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा जो हमारी स्टेट में दो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो हिंदू एकता मंच के एक रैली में जाके बोलते हैं कि 144 को तोड़ दो, और एसएसपी को मौके पे बुला के उनकी बेइज्जती करके कहते हैं कि आज के बाद तू किसी को अरेस्ट नहीं करेगा। और तीसरी बात ये कि क्या हो गया, एक लड़की का मर्डर हो गया या रेप हो गया, यहाँ पे तो ऐसा चलता है। मतलब उस डिस्ट्रिक्ट कठुआ से जहाँ से लाल सिंह है, वो ये बात कह रहा है एज ए मिनिस्टर कि यहाँ पे तो ये चलता है, ये कॉमन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ से कल या परसों डिप्टी सीएम साहब जो कि बीजेपी से हैं, वो ये बोलते हैं, लाल सिंह वहाँ पे बोलता है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे सीबीआई के लिए। निर्मल सिंह साहब कहते हैं कि नहीं, सीबीआई नहीं, जो क्राइम की इन्वेस्टिगेटिंग टीम कर रही है इन्वेस्टिगेट, वो ठीक है, हमें उस पर भरोसा है। बाली भगत साहब भी यही बात दोहराते हैं। लेकिन बीच में से इन्होंने मतलब अब इतना कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो मासिस हैं जम्मू के, उसको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। हिंदू एकता मंच जो बना, ये बेसिकली उस दिन बना जिस दिन दीपक खजूरिया को अरेस्ट किया गया, जो पुलिस वाला था। और आज उन सब को मिला के 6 लोग अरेस्ट हैं, जिनमें से 4 लोग जो हैं वो पुलिस वाले हैं। और बदकिस्मती ये है कि इसमें पुलिस की पूरी पूरी इन्वॉल्वमेंट है, और पुलिस के साथ मिल के ये कम्युनल फोर्सेस जो हैं, जिन्होंने मसले को पोलराइज करना था, इशू को पोलराइज करना था, उन्होंने मिलके ये काम किया, ये हीनियस क्राइम किया, और आज वो किसी ना किसी तरीके से किसी हद तक अपने उस मकसद में पूरे भी हो रहे हैं। और अब जो केस की नौइयत है, देखें ये क्राइम, हमने शुरू से ये कहा कि यहाँ पे एक विक्टिम है और एक कल्प्रिट है, एक क्राइम करने वाला है, एक बेचारा मजलूम है। आप उस एंगल से देखिए, आप उस चश्मे से देखिए। हमने बार बार शोर मचाया कि इस आसिफा को निर्भया और दामिनी के एंगल से देखने की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब सबसे पहले हमारे ट्राइबल मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट मिलते हैं सीएम साहिबा से, और वो अपने ट्वीट पे लिखते हैं कि मैंने बात की सीएम साहिबा से बकरवाल गर्ल जो है आसिफा, उसका रेप एंड मर्डर के इशू पे, सबसे पहले उन्होंने स्टार्टिंग कर दी टू कन्फाइंड दिस इशू टू बकरवाल्स कम्युनिटी ओनली। जिन लोगों के, जो लोग हुक्मरान हैं, जिन लोगों के पास पावर है आज की डेट में, वो लोग खुद इस मसले के अंदर शामिल हैं और वही इस सारे मसले को पोलराइज़ कर रहे हैं। जिस तरह से अभी मैं ये बात नहीं कर रहा, आलोक पुरी साहब ने एक बात कही थी कि दिस हीनियस क्राइम हैज़ डन टू टेररइज द कम्युनिटी देयर। हु इज़ आलोक पुरी? आलोक पुरी साहब जो थे आईजी क्राइम थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, और क्राइम जो है इस मसले को इन्वेस्टिगेट, इस इशू आसिफा के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और ये आलोक पुरी साहब आईजी थे उसके। उस वक्त उन्होंने ये कहा कि ये टेररइज करने के लिए किया गया। हमने यही कहा हमेशा कि सबसे पहले जो इन्होंने रिवील किया, एक शुभम सांगड़ा, उसका नाम नहीं बताया, बोला 15 साल का बच्चा। हमने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि ये भी मुलविस है, लेकिन ये 15 साल का नहीं है। एमएलए हीरानगर पुलिस स्टेशन हीरानगर में जाते हैं और जाके कहते हैं कि इस लड़के की उम्र का कुछ करो। उसी रात को वो जो एसआईटी बनी कठुआ पुलिस की, वो बोलती है कि हमने 15 साल के लड़के को अरेस्ट किया। हमने कहा कि ये जुवेनाइल नहीं है, आज वो कोर्ट में प्रूफ हो गया कि 19 प्लस है। तो ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं कि किस तरह से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, एक प्री प्लान साजिश के तहत, ये एक पहला वाक़ा है नहीं है। आसिफा को अगर कोई ये सोचे कि ये पहला वाक़ा है या आखिरी है, ऐसा नहीं है। आखिरी खुदा करे कि आखिरी हो, लेकिन पहला तो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़। ये है किस लिए है कि यहाँ सांबा और कठुआ जो है, बीजेपी जिस नाम से वोट लेके आई थी 370 को तोड़ने के नाम से, वो तो तोड़ नहीं पाए, तो अब अगली बार लेके क्या जाएं? अब इन्होंने ब्रांडिंग कर दी है कि यहाँ का जो गुजर बकरवाल है, चूंकि वो मुस्लिम है, दो हो गई, एक तो वो गुजर है तो आसानी से उस पर टैग लग जाएगा, वल्नरेबल भी है, बोल भी नहीं सकता, आवाज़ नहीं है। दूसरा ये कि मुसलमान है तो उस पर हम टैग लगा दें, ये लैंड ग्रैबर्स है, ये फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा करता है, ये करता है, वो करता है, उससे सेंटिमेंट हिंदुओं का उभार के कल को जो है वोट ले लेंगे, पोलराइज की पॉलिटिक्स करके वही किया जा रहा है। और दूसरा थ्रेट ये दे रही है संघ कि हमने पूरा सांबा और कठुआ को साफ करना है मुसलमानों से, मुसलमानों को यहाँ से निकालना है। खैर, निकालते हैं या नहीं निकालते, वो कितना कामयाब होते हैं, हिंदुस्तान जिंदा है, हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदुस्तानी जिंदा हैं, वो कितने कामयाब होते हैं वो बात की बात है, लेकिन ये जो एक पॉलिटिक्स है पोलराइजेशन की, वो अपने मकसद में वो कामयाब हुए। हिंदू एकता मंच के अंदर ये जो वो जो लोग थे, जो मास्टरमाइंड, मतलब क्राइम भी कह रहा है मास्टरमाइंड, हम भी मानते हैं कि मास्टरमाइंड है, वो जो है मास्टरमाइंड को हिंदू एकता मंच के बीच में एक अहम पोजीशन दी गई है, ताकि कल को जब इन पर हाथ पड़े तो हिंदू बिरादरी उठ खड़ी हो कि नहीं जनाब, ये हिंदुओं के हमदर्द थे, ये हमारे लोगों को, बेगुनाहों को बचा रहे थे, इसलिए इन पे हाथ पड़ गया, और ये बचने की एक कोशिश है। मसला ये है जो मैं बता रहा था कि जो एक इन्होंने पिछले साल संघ की मीटिंग हुई और तय हुआ कि किसी एक 4-5 लड़कियों के नाम, और सबसे वल्नरेबल आसिफा थी। और इसमें दो चीज़ें हैं, आसिफा क्यों फंस गई, आसिफा उम्र से सबसे छोटी है, अगर 7 साल की बच्ची के साथ ये सब हो सकता है तो
तो कम्युनिटी इस चीज पे सोचने पे मजबूर हो कि 17 साल की बच्ची के साथ क्या होगा। बेसिकली द मोटिव वाज टू फ्राइटन द एंटायर कम्युनिटी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसमें ये दो चीजें हैं, एक तो थ्रेटन कर दिया जाएगा आपकी, जो जो लोग इसको जो ये करेंगे वो बच भी जाएंगे, उनके हौसले भी बुलंद हो जाएंगे और वो बार बार फिर अटैक करेंगे। कम्युनिटीज के अंदर रिफ्ट, मतलब रिलीजन के लोगों के अंदर रिफ्ट भी पैदा होगा। और दूसरी, ये कम्युनिटी इतनी डर जाएगी कि या तो जो बसे हुए हैं वो भाग जाएं, अगर भागे नहीं तो कम से कम जो नया बसने वाला है वो 10 बार सोचे कि मैं बसूं कि ना बसूं। एक दो न्यूज चैनल को अगर हम छोड़ दें नेशनल मीडिया में से, तो जनाब आज तक किसी एक बंदे ने 2 सेकंड के लिए भी आसिफा का मसला नहीं दिखाया। और फिर मतलब बड़ी शर्म की मतलब महसूस होता है कि जब मतलब आसिफा के लिए हिंदुस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, हिंदुस्तान की जो मतलब जो अपने आप को ये कहते हैं कि जनाब हम हिंदुस्तान को चलाते हैं, बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है दुनिया की, तो आप क्या कर रहे हैं उसके डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं कि आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं उसका? तो अभी बदकिस्मती ये है, हालांकि हम नाउम्मीद नहीं हैं, जम्मू के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सेकुलर हिंदुस्तानी हैं और वो चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, वो सारे लोग खड़े हैं हमारे साथ। नो मोर आसिफा नाम से एक कंपेन चलाई जा रही है, जिसमें कंपेन चलाने वालों में से एक भी मुसलमान नहीं है, सारे के सारे हिंदू हैं। आरएसपुरा जम्मू और कठुआ के मिलकर लोग चला रहे हैं, इसी तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हमारे साथ खड़ी हैं। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे आ जाती है कि जो जिन लोगों के जो लोग हुक्मरान हैं, जिन लोगों के पास पावर है आज की डेट में, वो लोग खुद इस मसले के अंदर शामिल हैं और वही इस सारे मसले को पोलराइज कर रहे हैं।